पिलानी में पानी की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। पिलानी में पानी की वैकल्पिक व्यवस्थाओं के लिए आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोकरिया पहुंचे। पिलानी पालिका में जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ एडीएम ने बैठक की, जिसमें लोगों की समस्याओं को तुरंत प्रभाव से निपटाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही टैंकरों की संख्या बढ़ाने की भी बात की। पिलानी विधायक पिताराम काला ने पानी की व्यवस्था के लिए अपने कोटे से राशि देने की भी बात कही। वहीं एडीएम को लोग पानी की समस्या से अवगत करवाने ज्ञापन देने भी पहुंचे, जिस पर एडीएम ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेने के लिए निर्देश जलदाय विभाग को जारी किए। वहीं गलत तरीके से हुए कनेक्शन की जांच कर उन पर एक्शन लेने के लिए भी निर्देश दिए गए। वहीं लोगों ने उन पर भी कार्रवाई करने का आग्रह किया, जिनके पानी तो पहुँच रहा है लेकिन वे पानी को काफ़ी व्यर्थ बहा रहे हैं। कोई लोग घरों के बाहर को चौक धो रहे हैं तो कोई नालियों में पानी को खुला छोड़ रहा है, जिससे आगे के घरों में पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। नगर पालिका पिलानी में हुई इस बैठक में पालिका चेयरमैन हीरालाल नायक, तहसीलदार कमलदीप पूनिया, सूरजगढ़ एसडीएम दयानंद रुयल, नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमार, पिलानी ईओ प्रियंका बुडानिया, जलदाय विभाग जेईएन प्रदीप कुमार, सोनू कुमार, ग्रामीण क्षेत्र जेईएन पंकज कुमार व जलदाय विभाग एक्सएन भी मौजूद रहे। पिलानी शहर में पेयजल समस्या को लेकर काफ़ी चीज़ें थी, तो कल भी इस एरिया में कलेक्टर मैडम ने विजिट किया था, आज हमने विजिट किया है। जो पेयजल की जो समस्याएं हैं उसके लिए हमने पीएचडी के अधिकारियों के साथ बात की है। जो भी कुछ खराब कनेक्शंस हैं उनको सही करवाना है। कोई कुछ में मोटरें जो है वो कम कैपेसिटी की है, उनको कैपेसिटी बढ़वानी है। टैंकर्स के जो है वो प्रभावी मॉनिटरिंग करनी है। नगर पालिका की जो टंकियां हैं उनको पानी जो है पानी से भरवाने के लिए हमने नगर पालिका को कहा है। तो ऐसे सभी जो पहलुओं पे चर्चा हुई है और हम प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले जो टाइम में पिलानी शहर की जो पेयजल जो आपूर्ति है वो सुचारू रहे। पानी की सर टंकियां क्या और रखी जाएंगी? अभी 91 टंकियां जो हैं वो रखी हुई हैं, तो अब और असेसमेंट हमने करवाया है, इनको बोला है। अब आज हम जो वार्ड में गए थे तो वहाँ भी कुछ डिमांड लोग करें, तो देखवा लेंगे फिजिबिलिटी के हिसाब से। कोई और टंकी रखवाने की करवाना होगा तो हम करवाएंगे, अदरवाइज अभी तो जो इश्यू है वो सभी टंकियों में पानी भरवाने का है, वो हम नगर पालिका के थ्रू जो है करवाएंगे। सर जो कुछ बोरवेल्स हैं जिनको थोड़ा और खुदवाने की जरूरत है, क्या वो उस पर भी? उसके लिए हमने पीएचडी को बोला है असेसमेंट करके, और यदि उसी को गहरा करवाने की कोई फिजिबिलिटी है तो वो, नहीं तो उसी के पास में नया ट्यूबवेल यदि करवाना है तो हमने कहा है कि उसी के पास में करवाओ, ताकि वो कनेक्शन नया नहीं करवाना पड़े, उसी कनेक्शन को शिफ्ट किया जा सके, या फिर जो उसके जो कुछ इक्विपमेंट्स है वो उसी में हम काम में ले सके और उसके खर्चे को हम कम कर सकें। सर कई दूर की वार्ताएं आपकी होती रही हैं, गर्मी का मौसम अभी है, पानी अभी काम आएगा, आपको क्या लगता है? देखिए सभी लोग पेयजल से हम जैसे गर्मी शुरू हुई है हमने इसको मॉनिटर करना शुरू कर दिया था, और कुछ चीज़ें जो आचार संहिता के कारण कुछ जो हमारे काम कुछ चीज़ें प्रभावित हुई है, लेकिन हम लगे हुए हैं और प्रयास ही रहेगा कि आम जनता को पेयजल के लिए हम परेशान नहीं होने देंगे। कुछ चीज़ें हैं जो जिसका निर्णय जो है स्टेट लेवल पर होना है, और वो स्टेट लेवल पर हमारा भेजा हुआ भी है और वो हम बार बार उसको परिशु भी कर रहे हैं। आचार संहिता के अलावा जो मशीनरी का चुनाव में व्यस्तता का एक पॉइंट पहलू भी है, अब हम लोग अपेक्षा कर फ्री हैं, फॉलोअप करके इसको हम करवा लेंगे। तैयारियाँ कब तक पूरी कर लेंगे, जब तक पानी नहीं? पानी तो हम दे रहे हैं, पानी ऐसा नहीं है कि हम पानी तो बार बार देखो जो पानी का जो इमीडिएट जो इमरजेंसी सोर्स है वो टैंकर है, और टैंकर हमने लगा रखे हैं पिलानी शहर के लिए, और भी यदि जरूरत है तो उसके हम और भी बढ़ाने की स्थिति में हैं। जो परमानेंट समाधान है वो चीज़ें जो हैं वो स्ट्रक्चरल जो इसका जो समाधान होगा तभी यह रेगुलर सप्लाई हमारी हो पाएगी। तो मुख्य बात तो पानी की जो समस्या उसके समाधान के विषय में चर्चाएं हुई हैं। जो ट्यूबवेल कम गहरे हैं जिसके अंदर पानी नहीं आ रहा है उसमें पाइप डलाने वाले की बात है, 2 या 3 पाइप डलेंगे, उसको डला के उसका समाधान करवाया जाएगा। इसके अलावा जो मोटरें हैं उनके स्टेज कम है, कम पावर की मोटर होने से पानी दे रही है, पानी की गहराई होगी ज़्यादा, तो उनको स्टेज बढ़ाने के बारे में बातचीत हुई है। पिलानी के अंदर पानी का जो लेवल है वो 1250 से 1300 फीट के लगभग है,
तो उससे स्टेज तक क्या कि गहराई करवाई जाएगी, मोटरों के स्टेज बढ़ाए जाएंगे और टंकर की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित की जाएगी और जहाँ कनेक्शन अवैध हो रहे हैं वो बात है उसको हटाने के लिए संबंधित बात हुई है। और इसके अलावा नए इक्विपमेंट्स हैं उनके खरीदने के लिए इन्होंने कहा कि आचार संहिता है, तो मैंने ये कहा भी आचार संहिता है तो मेरे कोटेशन में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन जनता को किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। सर, 4 से 5 बार मीटिंगें हो चुकी हैं, बाकी उच्च अधिकारी भी उसमें मौजूद रहे हैं और महीने डेढ़ महीने भर से लगातार मीटिंग हो रही है लेकिन पानी नहीं मिल रहा जनता को। कई जगह क्या कि व्यवस्था हुई है, कल ही क्या कि ये चेयरमैन जो वाले वार्ड में नई मोटर डाली है नीम का थाना से लाके 20 SHP की और कई जगह समाधान किया था, चंदाबाद नहीं कितने स्कूल उसके अंदर नहीं था वहाँ क्या कि व्यवस्थाएं की है, अलग अलग वार्डों में व्यवस्थाएं की गई, जहाँ जहाँ शिकायतें आ रही है वहाँ क्या उसका समाधान किया जा रहा है और भी किसी प्रकार की शिकायतें उसका समाधान हम हमारे स्तर से भी कर रहे हैं। और कल परसों ही आपने देखा होगा निःशुल्क जल व्यवस्था है वो कांग्रेस कमेटी के द्वारा नगर इकाई उसके द्वारा संचालित किया गया है, तो कोशिश ये करें कि पिलाने की जनता को पानी की समस्या नहीं हो और जो भी समस्या उसका समाधान कर रहे हैं।